वाराणसी के 80 घाट पर इन दिनों एक कलाकार चर्चा का विषय बने हुए हैं और वजह है धर्म, जो धर्म से मुस्लिम है लेकिन हिंदू संतों के लिबास में गाय की रक्षा के लिए कथा वाचन कर रहे हैं। गिरवे वस्त्र, माथे पर रोली का टीका और गाय की रक्षा के लिए कथा करते ये शख्स हिंदू महात्मा नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनका नाम है फैज खान। पिछले काफी समय से ये हिंदू मुस्लिम ग्रंथों के हिसाब से गाय की उपयोगिता बताते रहे हैं। इस्लाम में गाय के दूध और घी को शिफा कहा गया है, गौ मांस को बीमारी कहा गया है। सूरह हज में, कुरान शरीफ में आयत 37 में कहा गया कि नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी त्याग की भावना। इस्लाम कहता है जिस देश में रहो वहां की आस्था का, तहजीब का सम्मान करो, और गाय का सम्मान करना ही हिंदुस्तान की तहजीब का सम्मान करना है। फैज खान कथा शुरू करने से पहले गाय का पूजन करते हैं, इसके बाद कथा शुरू होती है। हिंदू मुस्लिम एकता पर वो कहते हैं कि राम नामी पहनना हमें हिंदू बना देता है और अगर टोपी पहन लें तो मुस्लिम हो जाते हैं, यानी पहनावे से ही नजरिया बदल जाता है, इसलिए खुदा ने हमें बिना कपड़ों के दुनिया में भेजा है। साफ है कि हम सब एक हैं, लेकिन समाज के कथित ठेकेदार अपने अपने फायदे के लिए हमें आपस में बांट देते हैं। वो राजनेता जो कि धर्म के आधार पर क्षुद्र राजनीति करते हैं, छोटी राजनीति करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि गौ आंदोलन सर्व समाज के बीच, सर्व धर्मों के बीच व्यापक हो, प्रचारित हो, प्रसारित हो, क्योंकि वो भी उनकी इस वोट बैंक का एक की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। फैज खान जी जिस तरह से लगे हुए हैं और जिस तरह से अन्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रोशनी से रोशनी जलती जाएगी और बहुत बड़ी क्रांति गौ रक्षा हेतु इस देश में आएगी। गाय धर्म और मजहब के आधार पर दूध नहीं देती, ये तो हम और आप हैं जो इसे धर्म और मजहब के निगाह से देखते हैं, और इस विवाद में बेचारी गाय फंसती है। लेकिन मोहम्मद फैज खान के इस गौ हत्या के सफल प्रयास से इस तरह के विवाद को खत्म करने की एक बड़ी पहल जरूर हो सकती है। वाराणसी के 80 घाट से कैमरामैन जितेंद्र बहादुर के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।